तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सुबह सुबह का टाइम है, बजे हैं सुबह के 7 और हम दो इन दोनों को लेके आए हैं बाहर। और दोनों खोल दे रहा हूँ एक मैं तेने, दोनों हैं खोल दे रहा हूँ। यहाँ पे खोल दे। कोई नहीं है, आया इधर आ। कोई नहीं है यहाँ पे, वैसा हटो, खोलेगा ही, आपस में तो नहीं लड़ेंगे। जाओ बाबू। तो गाइस कैसे लग रहे दोनों साथ में? इधर आओ मसी। लीजा छोटा सा, ये तो बैठ गया। ये देखो फ्रेश होने का तरीका, देखने में पता चल रहा है कि फ्रेश हो रहा है। वो देखो वहाँ पे बोला घूम रहे हैं दोनों एकदम मस्त। और लीजा में ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि लीजा फुल फाइटर है, बट ये अटैक करती है कहने पे। और जैसे फुल ट्रेंड है ये, इसे मना कर दो तो मान जाती है, मान समझ जाती जाती है। है। अब देखो इसकी इससे दोस्ती होगी, और दोस्ती भी ऐसा मत मानना, अगर पकड़ बोल देंगे तो अभी खा जाएगी इसको तुरंत 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 चिपक जाएगी इसके एकदम। पर अभी जैसे हमने इसे पता है कि हम इसको डांट देंगे, तो अभी ये इसके साथ में जो मर्सी खेलता रहे इसको कुछ नहीं बोलेगी। आओ देखो कौन तेज भागता है। भाई मर्सी तेज भागेगा, तो गाइस अभी देखते हैं। ये भागने के चक्कर इधर आ, दोनों ये भागने दोनों के चक्कर इधर आओ, ये दोनों इधर आओ, दोनों इधर आओ। भागने के चक्कर में लड़ना चाहिए। चलो चलो भागो, आओ चलो। लीजा लड़ने के लिए तैयार रहती है। लीजा अब देखते। ओ भाई साहब, लीजा आ गया है। ओए हट, मजाक नहीं करना इसके साथ। हाँ लपेट देगी ये, तू मजाक में करेगा ये लपेट जाएगी तुझे। मजाक नहीं करेगी, वो पाड़ के रख देगी मर्सी तुझे, चलो पेल देगी तुझे पकड़ के। कितना बर्दाश्त कर रही है। हाँ हमारे कहने के लिए तो बर्दाश्त कर रही है बहुत आराम, छुटकी सी बहुत आराम है ये, हमारी वजह से बर्दाश्त कर रही है ये। हाँ नहीं अब तक तो ये लपेट दे से वो मानता ही नहीं। लीजा गंदी बात, वो मानता नहीं यार, बेचारा खेलता है भाई। वो उसे फ्रेंड, उसे एक्सट्रीम लेवल पे फ्रेंडली बनाया गया है, तो वो खेलता है मर्सी। और वो देखो छोटा डॉन, ये कह रहा है कोई मॉडल है, ये हमारा छोटा डॉन है, छोटा बॉडी बिल्डर, इसको छोड़ दिया हमने इसलिए। बॉडी बताओ कौन है, कहाँ है, कौन है, देख कौन है, कहाँ है। इसे तू बांध रहे, बांध ले कन्नी है, बांध ले, कुत्ता है होंगे कहीं कुत्ते। ये तो समझदार है, फिर तो जैसे चाहे वैसे बुला लियो। देसी कुत्ते को तरह कर देगी वो, आ जाएगा तो ना ना कुछ ना कहने की। हाँ कुछ ना कहने की, मैं कह रहा खुला छोड़ घूमने दे भाई, दे पाड़ पाड़ देगी देसी कुत्ते को। चला भाई चलो यार, मैं से लौंडा स्मार्ट एकदम। और ये छोटा बॉम डिंगलू, छोटा बॉम है ये, डिंगलू छोटा सा एकदम, छोटा सा बॉम है ये। मैं मर्सी इनके साथ लंबी दौड़ लगाऊंगा, मर्सी है हमारा फ्रेंडली बच्चा, बाइक से दौड़ लगाऊंगा एक दिन लंबी, समझ गया। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ब्लैकी और सोफी के पास, और आज वो स्ट्रीट डॉग जो फीमेल है उसको भी फीड करेंगे वहाँ पे, और उसका जो छोटा सा पपी जिसकी एक आंख नहीं है उसको भी फीड करने की कोशिश करेंगे। खाली ये सिर्फ फूड फूड खा रही है, इसमें से चावल नहीं खाया इसने बिल्कुल भी। ये छोटा सा, इसकी आंख भी नहीं है शायद, एक ही आंख है इसकी। और यहाँ पे ये भी आ गया, अगर मैं रखूँगा इनको खाने को तो ये खा लेगा। इस पपी को खिला के देखते हैं। छुटकू खा ले, वो देखिए तो कितना छोटा सा है वो, और उसकी एक ही आंख है। मम्मा के पास जा रहा है वो, अगर इसको हम अपने पास रख लेंगे ना तो प्रॉब्लम ये है कि ये भी यहीं पे रहती है, फिर ये भौंकेगी। वो भी खा रहा है, वो चावल भी खा रहा है। चलो ये इसके साथ थोड़ा खाएगा तो फिर आगे से मैं इसको फीड कर दूंगा। तो पूंछ कैसे घुमा रहा है गोल गोल, ओ भाई साहब। छोड़ दिया मैंने, और प्रॉब्लम क्या है ब्लैकी को मैं उधर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इधर की साइड है सोफी और सिम्बा।
सिर्फ उधर की साइड ही घूमने दूंगा इसको आज। तो अभी बाहर वो स्ट्रीट डॉग आ गया था जिसकी वजह से एकदम ब्लैक ही गुस्से में आया बाहर निकल के। इसे तो बस गलती से भी अगर कोई स्ट्रीट डॉग की आवाज़ भी आ जाए ना तो पागल हो जाता है ये। वो पैर में लग गई, इसके पैर मुड़ गया। ये करता भी तो बिल्कुल पागल की तरह है, एकदम पागल हो जाता है ये। उल्टी सीधी तरीके से कूद जाएगा, कहीं भी टकरा जाएगा अगर कोई भी से डॉग दिख जाएगा तो। अभी वहाँ पे वो छोटा सा पपी उस वाले वाइट वाले डॉग को भौंक रहा था जिसको भी मैंने फीड किया था, वो छोटा सा पपी भौंक रहा था। वीडियो खुला छोड़ा है, आज सबको बारी बारी खोलना पड़ेगा क्योंकि सोफ़ी की भी तबीयत ख़राब है, तो इसको भी अभी किसी डॉग से मिला नहीं सकते हम, नहीं तो ये ब्लैकी के साथ आराम से घूम लेती है। और मैंने सोचा भी था कि नेक्स्ट टाइम इसको सिम्बा से मिलाऊँगा, सिम्बा के साथ देखते हैं कैसे रह पाती है नहीं। और बट अभी इसकी तबीयत ख़राब है तो जिसकी वजह से मैं किसी भी डॉग के साथ नहीं इसको रख सकता फ़िलहाल। और इसने खाना पीना भी बंद कर रखा है, दो दिन से इसको उल्टियाँ भी हो रही हैं। और ब्लैकी से इससे बहुत इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो खुलते ही सबसे पहले ब्लैकी के पास गई और अभी दोबारा वहीं जा रही है। नहीं सोफी चलो उधर चलो, सब खाना रख देता हूँ, अभी सिम्बा को भी खोलूँगा। तो देख सकते हो जैसे पिछली बार ज़्यादा फटी हुई थी इसकी नाक, इस बार थोड़ी ठीक है। सिम्बा को खुला छोड़ा है और देख सकते हो सिम्बा भी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब है। एकदम से पता नहीं क्या हुआ यार, सारे के सारे डॉग्स बीमार हो गए यार। सिम्बा भी बीमार हो गया, सोफ़ी भी बीमार हो गई, पहले ब्लैकी बीमार था अब वो ठीक हुआ तो अब ये बीमार हो गए। और प्रॉब्लम पता ये है कि ये इनका रिकवर बहुत लेट होता है, ये रिकवर बहुत लेट होते हैं। एकदम बीमार होंगे तो दो दिन में एकदम से कमज़ोर हो जाएंगे, दो दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और फिर जब रिकवर होते हैं तो महीनों में जाके ठीक होते हैं। चाहे कितना ही खिला दो, कितना ही कुछ भी खिला दो, वेज नॉन वेज फूड रोटी सब्जी जो भी मन करे वो खिला दो, इनको अच्छी डाइट लंबे टाइम तक चाहिए होती है तब जाके रिकवर कर पाते हैं। तो मैंने सिम्बा को छोड़ दिया, ये उधर घूम लेगा थोड़ी देर। मैं बाबू तो गाइज अब इसकी आदत वो कान खुजाने वाली भी हट गई, तो इसके कान बिल्कुल ठीक रहते हैं, अब अपने कान नहीं फाड़ता। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि देखो मैंने इसे खुला छोड़ रखा है पर ये ब्लैकी के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसे पता है कि मैं इसको डांट देता हूँ, पर ब्लैकी इस मामले में सुनता नहीं है। अगर ब्लैकी खुला होगा तो वो एकदम भाग के इसके पास चला जाएगा एकदम लड़ने के लिए, पर सिम्बा सिर्फ कहने बोलने पर अटैक करता है।